बाबरा तालुकाना ईश्वरिया करियाणा नानी कुंडल सहित गामों में लंबी वायरस देखायो। हाल आ वायरस थी 60 जेटला पशुओं बीमार छे, तेमज 10 जेटला पशुओना मौत निपजा हता। बाबरा तालुकाना ईश्वरिया करियाणा नानी कुंडल सहित गामों में लंबी वायरस देखायो। हाल आ वायरस थी 60 जेटला पशुओं बीमार छे, तेमज 10 जेटला पशुना मौत निपजा हता। ईश्वरिया गामे हाल 40 जेटला पशुओं बीमार छे। राघवभाई भरवाड़ना 8 पशुओना 12 दिवस में मौत निपजा हता। बाबरा तालुकाना ईश्वरिया तथा नानी कुंडल सहित गामों में लंपी वायरसे देखा देता पशुओं टपोटप मरी रहा है। आ घटना की जाण जिला पंचायत सभ्य नितिन राठौड़ ने थता तात्कालिक जिला पशुपालन अधिकारी ने जाण करी हती। अहीं पशुओं शरीर में चांदा पड़ी रहा है, खावा पीवा छोड़ी दे छे। तेना लोहीना नमूनाओं लई लैबोरेटरी में मोकलाया छे। हाल पशु दवाखाना डॉक्टरों द्वारा पशुपालकों ने सारवार अने मार्गदर्शन आपी रह्या छे। पशु अधिकारीए मालधारीओने आ रोगथी बचवा समझण पण आपी हती। माखी अने मच्छरना उपद्रवथी आ रोग फैलातो होय तेनो उपद्रव न वधे तेनी काळजी लेवा पण सूचना अपाई हती। पशुपालन अधिकारीए आ वायरसनो फैलाव अटकाववा मालधारीओने बीमार पशुओने अन्य पशुथी अलग राखवा तथा तेमना पीवाना पाणीनी अने नीरणनी पण अलग व्यवस्था करवा सूचन कर्युं हतुं। पशुओमां लंबी वायरस फैलाता तालुकाना मालधारीओ अने पशुपालकोमां चिंतानी लागणी फैलाई हती। हेलो, मैं डॉक्टर मुकेश राजपूत, जिंदगी में 1962 एमएडी 1962 में काम करता हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले 6 से 7 दिन हुए एक वायरस नाम के लंपी स्किन डिजीज है, LST को सस्पेक्ट किया है। प्रॉपर डायग्नोस नहीं है, इसको सस्पेक्ट किया है उसके सिम्टम के बेसिस पे। उसको मैं सिम्टम में तेज़ बुखार आना, रिस्क सूजन आना, नेचुरल डिस्चार्ज होना और सेलिवेशन दार गिरना, टपकना, फपोले बनना, ऐसे 2 से 5 सेंटीमीटर के फपोले बनना, वो सब देखा है। 3 विलेज में अभी मोस्टली देखने को मिला है। हरियाणा मोस्टली सबसे ज़्यादा ईश्वरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, 30 से 40 गाय में, फिर नानी कुंडल में 5 से 10 गाय, और हरियाणा में भी नया 4-5 गाय देखने को मिला। अभी तक 50 से 60 क्षेत्र आजू बाजू केस देखने को मिले हैं। तो हमें सस्पेक्ट किया है कि लंपी स्किन डिजीज के बेसिस पे, और 8 से 10 पशुओं के भी तो इसमें मौत हो चुकी है। और हमारे द्वारा इसके कंटिन्यू 5 से 6 दिन इसका सारवा ट्रीटमेंट चल रहा है। जो हमने ट्रीटमेंट फॉलो किया है सिम्टम के बेसिस पे, वो सब चल रहा है। और हमने ऑनर को और पशुपालक भाइयों को भी यही बताया है कि इनको कैसे बचाव किया जाए इस रोग से। तो हमने बताया है कि पशुओं को एक दूसरे से दूर रखें, और नीमड़े के पानी के पत्ते गर्म कर उनके ऊपर छिड़के, और बाकी सब बोला कि एनिमल को एक दूसरे से पास ना जाए, उनको पानी एक दूसरे न पीने पास पानी ना पिए। और इसका मेन यही बचाव इसका उपाय है, नौ ये वायरस है। इसका अभी कोई वैक्सीन है नहीं इंडिया में, तो इसको सिम्टम के बेसिस पे हमें इसको ट्रीट करें 4 से 5 दिन। और इसका पशुपालन को मेन इसका बचाव ही इसका उपाय है। मारू नाम नितिन भाई राठौड़, हरियाणा जिला पंचायत सीटना हूँ सभ्य तरीके चूंटायो छू। अने आजे सवारे सरपंच द्वारा टेलिफोनिक मारी साथे चर्चा करवामां आवी कि अमारा गामना घणा बधा मालधारीओना ढोरने एक अलग प्रकारनो रोग आव्यो छे। त्यारे हूँ स्थळ ऊपर रूबरू जईने मैं जयरे तपास करी त्यारे 8 થી 10 ઢોર મરી પણ ગયા છે, અને હજી 50 થી 60 ઢોરને ઉપર આ રોગ પૂરેપૂરો એના માટે યથાવત છે। અને એ રોગને ફોડલા થાય છે, અને પછી ઢોરને અંદર રસી થાય છે, અને રસી થવાથી ઢોર તાત્કાલિક મરી જાય છે। મેં જિલ્લાની અંદર મેં પશુપાલન વિભાગમાં વાત કરતા મને એવું જણાવવા મળ્યું કે અમે લોકો પણ ત્યાં જઈ આવ્યા છીએ, અને આ રોગની રસી માટે પૂનાથી આ રસી મગાવવી પડે છે। તો ડૉક્ટર દ્વારા મને એ જાણ કરવામાં આવી કે પૂનાથી રસી લાવવા માટે અમારે 5 થી 6 દિવસ લાગશે, અને આ રસી અમે લઈ આવશું ત્યારબાદ આ ઢોરની સારવારો થશે।